अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसील कैविटी बन रही है और किस तरह हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो रही है एंड उसकी इम्प्लांटेशन जो हो रही है अलोंग द यूट्राइन वॉल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो इस इम्प्लांटेशन को फेवर कर रहे हैं या इस इम्प्लांटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। अगेन वही बात, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो क्योंकि हमने पर डे और पर मंथ और पर वीक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखने होते हैं, तो जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप अपने थोड़े से प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया करें। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करने और फिर हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आपको बताया ओव्यूलेशन हुई थी, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट आता है हमारे पास एंड देन हमारे पास क्या आ रहा होता है, सर्विक्स के थ्रू ओविडक्ट की तरफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म वो आता है, ठीक है। स्पर्म सबसे पहले आके जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है उसकी आउटर लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा उसको पेनिट्रेट करता है। बच्चों, इसकी पेनिट्रेशन के लिए जो प्रोसेस जरूरी था वो हमारे पास क्या था, कैपेसिटेशन का प्रोसेस था, ठीक है। और फिर जोना रेडिएटा को ही सॉरी जोना पेलिसीडा को पेनिट्रेट करता है और इसके लिए क्या जरूरी था हमारे पास, एक्रोसोम रिएक्शन एंड देन ये स्पर्म जो है वो इनसाइड द सेकेंडरी ओसाइट का जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करता है और इनसाइड द साइटोप्लाज्म चला जाता है। वहाँ पे इन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो आपस में प्रो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगॉट बन जाता है, ठीक है। हमारे पास 23 जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं फीमेल गैमेट के एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं किसके, मेल गैमेट के। ये फॉरन से रेप्लीकेट होते हैं और हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास टू सेल स्टेज जो है वो जाइगॉट गया था जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। ये 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। देन हमारे पास क्या होता है, इस टू सेल जायगॉट जो है ये फर्दर डिवाइड होता है माइटोटिकली और हमारे पास क्या आ गया था, फोर सेल स्टेज आ गई थी जायगॉट की आफ्टर तकरीबन 40 आवर्स के बाद, ठीक है। हमारे पास 40 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आ जाती है, हमारे पास फोर सेल स्टेज आ जाती है जायगॉट की। ये फोर सेल स्टेज बच्चों आपको बताया था किसमें चली जाती है, एट सेल स्टेज में, ठीक है। ये फोर सेल स्टेज दोबारा किसमें चली जाती है, एट सेल स्टेज में चली जाती है, ठीक है। एट सेल स्टेज में हमने देखा था हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा था कॉम्पैक्शन और उस कॉम्पैक्शन की वजह से जितनी भी ये स्पेसेस थी ये रिड्यूस हो रही थी और हमारे पास एक इनर सेल मास जबकि एक आउटर सेल मास बन रहा था। देन आफ्टर 3 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास एक और माइटोटिक डिवीजन होती है और ये जो एट सेल स्टेज है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 16 सेल स्टेज में। और उस 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोरूला, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। अब मोरूला से आगे हमने जाना है कि हमारे पास ये मोरूला कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या थी, ओवरी थी, ठीक है, और ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी ओविडक्ट है और यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो यूट्रस है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होनी है, ठीक है। ये नीचे सर्विक्स है, यहाँ से जो है आपको पता है मेल गैमेट गया था, इस सर्विक्स के थ्रू हमारे पास मेल गैमेट जो है वो कहाँ आया था, यहाँ पे, ठीक है। और ओव्यूलेशन के थ्रू यहाँ से क्या रिलीज होकर आया, सेकेंडरी ओसाइट, और ये एम्फ्यूलरी रीजन है, यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट की और मेल गैमेट की क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई और हमारे पास क्या बन गया, जायगॉट, ठीक है। जायगॉट से हमारे पास फिर क्या बनता है, टू सेल स्टेज बनी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाती है, फोर सेल स्टेज, ठीक है। ये हमारे पास फोर सेल स्टेज, देन एट सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज मोरूला बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस मोरूला ने ट्रेवल करके कहाँ आना है, इसने आना है यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में और अलोंग द वॉल ऑफ द यूट्रस, ये हमारे पास यूट्रस की वॉल है, यहाँ पर इम्प्लांट होना है। बच्चों, जब यहाँ पर मोरूला आएगा तो सबसे पहले हमारे पास उसमें होगा क्या, आपको पता है मोरूला में हमने कहा था हमारे पास जो है वो एक इनर सेल मैस एक आउटर सेल मैस है, ठीक है। मोरूला में क्या है, एक आउटर सेल मैस है और एक उसके अलावा क्या पड़ा हुआ है, इनर सेल मैस। ये जो इनर सेल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट, और इसमें से क्या डेवलप होना है, होल एम्ब्रियो। जबकि ये जो आउटर सेल मास है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इसमें से क्या डेवलप होनी है, प्लेसेंटल कवरिंग्स। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, अभी आपने जो चीज देखनी है वो ये है, फर्टिलाइजेशन के बाद टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, कॉम्पैक्शन का प्रोसेस, देन डिवीजन एंड 16 सेल स्टेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोरूला। एंड ये मोरूला पर ट्रेवल करके जा रहा है कहां पे, यूट्राइन कैविटी में, और इस मोरूला के पास क्या है, इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास। अब ये होगा बच्चों कि जब ये यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है ना, तो हमारे पास एक यहाँ से अंदर इस मोरूला में कुछ फ्लूड जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो ओसाइट था सेकेंडरी ओसाइट, इसकी ये जो कवरिंग थी दैट इज जोना पेरियोसिटा, ये इसके अलोंग यहाँ तक आ रही होती है। अब यूं होगा कि जो ही वो यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है, आपने इसको मतलब स्टेप्स के तौर पर लिख लेना है, जब वो यूट्राइन कैविटी में पहुंचा तो सबसे पहले उसके अंदर क्या चला जाता है, फ्लूड एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब फ्लूड इस कैविटी के अंदर जाता है तो ये जो
इनर सेल मास होता है ये एक रीजन की तरफ ऐसे करके कन्फाइन हो जाता है, ठीक है। इनर सेल मास क्या हो जाता है, थोड़ा अलग से ऐसे करके कन्फाइन हो जाता है, एंड दिस इज द आउटर सेल मास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आउटर सेल मास, और ये क्या है, जोना पेलिसिडा की लेयर है, ठीक है। ये आउटर सेल मास जो है वो इसके साथ ऐसे आउटर सेल्स जो है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ये इसके साथ इस तरह कम्युनिकेट होते हैं। तो फ्लूड की अंदर एक्युमुलेशन की वजह से एक कैविटी बन गई है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसील। और इस कंडीशन में इस डेवलपिंग जायगोट या एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। तो अभी आपको समझ आ गई कि मोरोला से ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसील्स कैसे बनी, कि मोरोला के अंदर जब वो यूट्राइन कैविटी में आया तो यहाँ से फ्लूड जाना स्टार्ट हो गया, फ्लूड की वजह से ये जो इनर सेल मैस है ये एक साइड पे हो गया और दरमियान में क्या बन गई, ये कैविटी। उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और एम्ब्रियो को उस टाइम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, ताकि ट्रोफोब्लास्टिक आउटर सेल मैस और इनर सेल मैस एम्ब्रियो ब्लास्ट ये जो है इस वॉल के साथ इम्प्लांट हो सकें, ठीक है बच्चों। तो फ्लूड एक्युमुलेशन हुई, फ्लूड एक्युमुलेशन की वजह से आपके पास क्या बन गया, ब्लास्टोसील, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे बस शॉर्ट शॉर्ट लिख रही हूँ, आप इसको बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा। ब्लास्टोसील बन गई और एम्ब्रियो को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आपको क्या बताया है, जोना पेलिसिडा जो होगा, जोना पेलिसिडा वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोना पेलिसिडा डिसअपियर होगा ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अब आप ये देखें कि जब ये जोना पेलिसिडा की लेयर डिसअपियर हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर रह जाएगी और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, और दरमियान में ये कैविटी है। यूं होगा कि जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, ये जो यूट्रस के एपिथीलियम है, एपिथीलियल सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट जो हैं वो इसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो इसके साथ इम्प्लांट हो सकें, ठीक है। अगर हम इसको लेंथन कर लेते हैं थोड़ा, आगे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सर्विक्स यहाँ नहीं है, दिस ये यहाँ है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो इसको पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, और इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। ये जो इनिशियल पेनिट्रेशन है या ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, तो आपने याद रखना है कि ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ना, इनके ऊपर पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं एल सेलेक्टिन्स। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एल सेलेक्टिन्स। और उन एल सेलेक्टिन्स के जो रिसेप्टर हैं जो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, वो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं इस यूट्राइन वॉल के ऊपर, ठीक है। सो ये जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की वॉल है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं फॉर एल सेलेक्टिन्स, और एल सेलेक्टिन मॉलिक्यूल किसके ऊपर पड़े हुए हैं, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, सॉरी। सो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ऑटोमेटिकली यहां दरमियान से क्या होगा कि इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारी इनकी अटैचमेंट होगी। इस अटैचमेंट को उसने कोरिलेट किया है विद अटैचमेंट ऑफ, जो हमारे आप पढ़ेंगे हीम मॉड्यूल में, कि जब हमारे पास ये ब्लड वेसल होती है और कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस तरफ जो है वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कैप्चर कर लिए जाते हैं इंजर्ड एरिया की तरफ, और न्यूट्रोफिल्स जाके उस इंजर्ड एरिया में से बैक्टीरियाज या कोई भी इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। सेम एज यहाँ फ्लोइंग ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स गुजर रहे होते हैं और रिसेप्टर्स की वजह से, सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड द इन्फेक्टेड एरिया। सेम एज यहाँ पे होता है कि इसके ऊपर एल सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं और उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो यूट्राइन वॉल पे हैं। सो ये हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है या इसकी जो एंड वाली ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, ये अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा उसने कहा एल सेलेक्टिन के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल में से दो और मॉलिक्यूल्स हैं, फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है, और लैमिनिन। फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है वो रिलीज करता है, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी इसकी अटैचमेंट और माइग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मोरोला कैसे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ और कैसे उसकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई है। ये फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें सिर्फ इम्प्लांटेशन बच्चों भी स्टार्ट हुई है प्रॉपरली, इसने इन साइड जाके यहाँ तक आ जाना है, ठीक है, पूरा यूट्रस की इन साइड जाके इम्प्लांट हो जाना है, वो हम सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखेंगे। अभी तक आपने इतना याद रखना है एल सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स की वजह से, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन की वजह से जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी, और इनिशियल अटैचमेंट जो है वो हमारे पास देखने को आती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इम्प्लांटेशन का और ब्लास्टोसिस्ट का ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इनर सेल मैस है और जो आउटर सेल मैस है, ये फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस के अंडर किस तरह से डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। ये हमने फर्स्ट वीक का कोर्स है, यहाँ तक ही पढ़ना है, बाकी ये जो इसकी अटैचमेंट है और इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम देखेंगे सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में।